नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटर क्रेज में। मेरा नाम है शंकर और अभी हम बात कर रहे हैं ऑल न्यू महिंद्रा बोलेरो के बारे में। बोलेरो का अभी जो मॉडल देख रहे हैं ये इसका सेकंड टॉप वेरिएंट B6 मॉडल है, जिसके बारे में हम भी बात करते हैं कंप्लीट डिटेल में इसी B6 मॉडल के बारे में। तो बोलेरो के अंदर आपको डीजल इंजन का ऑप्शन मिलता है मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, पेट्रोल इंजन और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन इसके अंदर नहीं आएगा। अभी आप B6 मॉडल देख रहे हैं जिसकी 8,45,000 रुपीज़ एक्सशोरूम प्राइस है इस वाले सेकंड टॉप B6 मॉडल की। जो इसका B6 ऑप्शन आता है इससे 40,000 वो महंगा है, बट अभी फ़िलहाल हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से फीचर्स आपको ऑफ़र किए जाते हैं। काफ़ी सक्सेसफुल और इंडियन मार्केट की नंबर 1 SUV है महिंद्रा बोलेरो। ख़राब मौसम और ख़राब रोड्स पर काफ़ी बेहतर ये गाड़ी जो है परफॉर्म कर सकती है। और की अगर बात करें तो कुछ ऐसी की आपको इसमें मिलती है इस वाले मॉडल में, महिंद्रा की ब्रांडिंग इसके ऊपर, और आपको इसमें फ्लिप की मिलती है जिसमें लॉक के बटन है, ये बजर का बटन है जिसे आप पार्किंग में से बहुत ही आसानी से ढूंढ सकते हो। नीचे की तरफ इसमें अनलॉक का बटन आपको मिलता है। काफ़ी प्रीमियम डिज़ाइन के साथ ये की आती है क्रोम फिनिश के अंदर। काफ़ी मस्कुलर ये लगती है सामने की तरफ से, काफ़ी बेहतरीन आपको बिल्ड क्वालिटी मिलती है महिंद्रा बोलेरो की। सामने की तरफ अगर आप यहाँ पर देखते हो तो ये कुछ इसके टर्न इंडिकेटर से हैलोजन हेडलैम्प्स आपको यहाँ पर मिलते हैं, बट यहाँ पर आपको स्टैटिक बेंडिंग का फीचर इसमें मिसिंग मिलेगा कॉर्नरिंग लाइट्स का। ये टॉप मॉडल के अंदर आता है, इस मॉडल में आपको नहीं मिलेगा ये। और इसमें आपको फॉग लाइट्स भी नहीं मिलते इस वाले B6 मॉडल में, फॉग लाइट्स आपको सिर्फ टॉप मॉडल के अंदर ही मिलेंगे। फ्रंट जो ग्रिल इसकी आपको फुल ग्रे फिनिश के अंदर मिलती है, और ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये सिल्वर फिनिश है। इसका जो टॉप मॉडल है उसमें आपको ये क्रोम फिनिश के अंदर मिलता है महिंद्रा की ब्रांडिंग के सामने की तरफ, और फुल आपको मेटल में ये बम्पर मिलता है महिंद्रा बोलेरो का, जो एक बेहतरीन इसे बिल्ड क्वालिटी ऑफ़र करती है। काफ़ी अट्रैक्टिव ये लगती है सामने की तरफ से, काफ़ी बेहतरीन इसके लुक्स हैं, काफ़ी रगेड ये लगती है सामने की तरफ से देखने पर। कुछ ऐसा साइड प्रोफाइल है महिंद्रा बोलेरो का। सामने की तरफ जो ये वाइपर्स है साइड में, इसमें ये कुछ इसके ओवर बी एम्स है जो एक बेहतरीन लुक इसे ऑफ़र करते हैं। साइड में ये टर्न इंडिकेटर्स आपको मिलते हैं, ये इसकी एम हॉक इंजन की बैजिंग है। सभी आपको बाहर से ये हिंचेस मिलते हैं जो एक इसे रगेड लुक बना देती है महिंद्रा बोलेरो को। इसमें आपको 15 इंच के स्टील व्हील्स मिलते हैं, यहाँ पर प्लास्टिक डिकस भी आते हैं इसमें, बट ये अभी लगाए नहीं इसमें, ये अंदर की तरफ रखे हुए अभी इसमें लगाने बाकी है। सस्पेंशन का ट्रैवल आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा है, जो आपको ऑफ रोडिंग में ये बहुत ही बेहतर इसे बना देता है। साइड में पूरी आपको बॉडी ग्राफिक्स यहाँ पर मिलती है, और कुछ ऐसा पूरा साइड प्रोफाइल है महिंद्रा बोलेरो का। साइड से भी काफ़ी मस्कुलर इसका डिज़ाइन लगता है B6। यहाँ पर पूरी बोलेरो की आपको ब्रांडिंग मिलती है, B6 की यहाँ पर ब्रांडिंग है। इसका ये फ्यूल लीड है, आपको इसमें 50 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिलता है। पीछे के जो टायर्स है इसमें आपको ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं, सामने की तरफ इसमें पूरे डिस्क ब्रेक्स आपको मिलते हैं। पीछे का ट्रैवल भी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा है सस्पेंशन का। और बैक प्रोफाइल की अगर बात करें तो कुछ ऐसे ये दिखती है। 180 mm का इसका पूरा ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलता है महिंद्रा बोलेरो का। ये कुछ इसके पार्किंग सेंसर्स आपको मिलते हैं इस वाले मॉडल में पीछे की तरफ, और ये कुछ इसका फुट स्टेप है ऊपर चढ़ने के लिए, मेटल में आपको ये पूरा मिलता है। स्पेयरविल आपको यहाँ पर देखने मिलता है पीछे की तरफ, इसमें भी आपको प्लास्टिक डीकल यहाँ पर मिलेगा प्लास्टिक में। आइए अभी इसका पीछे का टेलगेट ओपन करते हैं। अभी यहाँ पर आपको डोर हैंडल्स मिलते हैं ब्लैक फिनिश के अंदर, ये कुछ इसके ग्रैब हैंडल्स है। ऊपर की तरफ आपको हाई माउंट भी यहाँ पर मिलेगा लाइट्स। पीछे ये फोल्डेबल आपको इसमें सीट्स मिलती है, काफ़ी स्पेस भी आपको, अगर आप फोल्ड करते हैं सीट्स को तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस आपको मिल जाएगी पीछे की तरफ। ये इसका कवर है स्पेयरविल का, पीछे की तरफ ये लगाना होता है। और इसके अंदर जो आपको पूरे डीकल्स इसमें मिलते हैं टायर्स के, चारों टायर्स के इसमें डीकल्स है, फोल्डेबल सीट से पीछे। आइए अभी इसे क्लोज करते हैं, चलते हैं अभी साइड में। ये कुछ इसके नंबर के लिए प्लेसमेंट यहाँ पर दी गई है, पार्किंग सेंसर आपको मिलते हैं। बैक में कुछ इस प्रकार आपको डिज़ाइन मिलता है पूरा टेल लैंप्स का। इस तरफ ये B6 है तो आप यहाँ से यूरिया इसमें फिल करा सकते हैं। और कुछ ऐसा पूरा साइड प्रोफाइल है महिंद्रा बोलेरो का। 3.9 मीटर की पूरी लेंथ है, 4 मीटर से अंदर की ये SUV है। आइए अब ड्राइवर साइड डोर खोलकर देखते हैं इसका। कुछ ऐसा ड्राइवर साइड डोर का डिज़ाइन आपको यहाँ पर देखने मिलता है ब्लैक फिनिश में, ये डोर हैंडल से, और मिरर्स का डिज़ाइन काफ़ी ये शानदार लगता है इसके ऊपर। ये कुछ इसके रेडियो के लिए एंटीन आपको मिलता है, जैसे आप इसे ऊपर कर सकते हैं। साइड में पूरे टर्न इंडिकेटर्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। ऊपर चढ़ने के लिए आपको फुटरेस्ट यहाँ पर मिलता है, मेटल में ही आता है ब्लैक फिनिश के अंदर। आइए अब ड्राइवर साइड डोर इसका खोलते हैं। तो ड्राइवर साइड डोर के ऊपर ब्लैक फिनिश में डोर हैंडल से, और यहाँ पर आपको थोड़ी स्पेस मिलती है बॉटल्स वगैरह रखने के लिए। यहाँ पर कुछ फिनिश है डोर्स को पकड़ने के लिए। और फ्रंट जो डैशबोर्ड इसका काफ़ी शानदार ही लगता है अंदर की तरफ से, काफ़ी बेहतरीन आपको इसमें बिल्ड क्वालिटी मिलती है। फ्रंट जो सीट्स है इसकी आपको फुल फैब्रिक इसमें मिलेगी, फैब्रिक सीट्स है ये इसकी, जिसे हम अभी निकाल के देखते हैं।
पूरा फैब्रिक टच यहाँ पर दिया हुआ है, जहाँ से आप इसे आगे और पीछे भी कर सकते हैं और यहाँ से आप इसे रिक्लाइन कर सकते हैं। रिक्लाइन करने के आपको कंट्रोल्स मिलते हैं सभी। ये कुछ इसके मैनुअल ट्रांसमिशन के पैडल्स हैं। यहाँ पर आपको हेडलाइट्स के लेवल आप यहाँ से ऊपर ही नीचे कर सकते हो। माइक्रो हाइब्रिड सिस्टम का ये बटन है, जहाँ से आप इसे स्टार्ट या स्टॉप भी कर सकते हो। और पूरी आपको वुड फिनिश मिलती है, जो एक यहाँ पर प्रीमियम टच यहाँ पर ऐड करती है महिंद्रा बोलेरो के लिए। आइए अंदर बैठते हैं और इसे हम अभी स्टार्ट करके देखते हैं। और कुछ ऐसी एक की है इसके अंदर फ्लिप की आपको मिलती है, इसे अभी ऑन करके देखते हैं। कुछ ऐसा दिखता है आपको फ्रंट डैशबोर्ड का डिज़ाइन महिंद्रा बोलेरो के अंदर से। काफ़ी ऊंचा आप बैठते हैं, पूरा बोनेट आप देख सकते हैं अंदर की तरफ से। और काफ़ी अच्छी ग्रिप है स्टीयरिंग व्हील की, महिंद्रा की ब्रांडिंग आपको यहाँ पर मिल जाती है। काफ़ी ऊंचा आप बैठते हैं बोलेरो के अंदर। ये कुछ ऐसी हॉर्न इसकी, और अंदर की तरफ जो है इसमें ये डिजिटल स्पीडोमीटर आपको यहाँ पर पूरा देखने मिलता है, जिसमें आपको डिजिटली ये स्पीड दिखाएगा, किलोमीटर्स दिखाएगा, फ्यूल लेवल, टेम्परेचर जैसे काफ़ी सारे फीचर आपको इसके अंदर शो करेगा। इस तरह भी हेजर लाइट्स के बटन्स है, और ये आपको ट्रिप और टाइम के यहाँ पर ये दिखाएगा सभी फीचर्स। इसमें आपको कैनवर्ड का 4 स्पीकर्स का म्यूज़िक सिस्टम मिलता है। ये इसका 4 स्पीकर्स का कैनवर्ड का म्यूज़िक सिस्टम है, जिसमें आपको ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी। इसमें आपको ये ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी मिसिंग मिलेगी। और ये सभी इसके USB के पोर्ट है और ऑक्स के पोर्ट आपको इसके अंदर मिलते हैं। बाकी कुछ ऐसा है इसका म्यूज़िक सिस्टम है। आपको वॉल्यूम के कम करने के लिए यहाँ पर लीवर मिलता है। ये सभी AC के यहाँ पर कंट्रोल्स आपको मिलते हैं, हीटर के कंट्रोल से, कूलिंग के कंट्रोल से यहाँ पर सभी। नीचे जो है ये 12 का चार्जिंग पोर्ट है यहाँ पर आपको मिलता है। और ये इसका 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है, ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं आएगा महिंद्रा बोलेरो के अंदर। ये कुछ इसका हैंड ब्रेक है। ग्लास होल्डर्स के लिए आपको जगह मिलती है, और आपको चारों पावर विंडोज़ के कंट्रोल यहाँ पर मिलते हैं। चारों पावर विंडोज़ आपको यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, और पीछे के डोर्स पर भी आपको पावर विंडोज़ के कंट्रोल मिलेंगे। ये कुछ इसका ग्लो बॉक्स है, जिसके अंदर आपको थोड़ी स्पेस मिलती है। ये ग्रैब हैंडल है, जो कि आपको बेहतरीन फील देगा पैसेंजर के लिए। ऊपर की तरफ आपको सभी ये लाइट्स के कंट्रोल्स मिलते हैं, और काफ़ी बेहतर आपको विजिबिलिटी मिलती है महिंद्रा बोलेरो की। काफ़ी ऊँचा आप बैठते हैं बोलेरो के अंदर। आइए अभी सब बंद करते हैं और चलते हैं पीछे की सीट्स पर। तो पीछे का जो डोर है उसके ऊपर आपको पावर विंडोज़ के यहाँ पर सभी कंट्रोल्स मिलते हैं। डोर हैंडल से ऊपर चढ़ने के लिए यहाँ पर फोटोस भी है। आइए अब अंदर बैठते हैं और देखते हैं कितने स्पेस यहाँ पर अवेलेबल है। और डिसेंट स्पेस आपको मिलती है पीछे की इन सीट्स पर। यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत स्पेस मिलती है मैगजीन वगैरह रखने के लिए, और काफ़ी ऊँचा आप बैठते हैं पीछे की इन सीट्स पर भी। आपको इसमें ये आर्मरेस्ट भी मिलता है, और हेडरेस्ट आपको मिलते हैं 2 पीछे की इन सीट्स पर। पीछे से कुछ ऐसा व्यू आपको दिखेगा महिंद्रा बोलेरो का, सामने फ्रंट डैशबोर्ड का। बाकी आपको पैसेंजर्स के लिए ये ग्रैब हैंडल्स यहाँ पर मिलते हैं। ये इसके सीट बेल्ट से जहाँ पर आप इसे माउंट कर सकते हैं बैठने पर। पीछे का व्यू आपको कुछ ऐसा दिखेगा। आपको इस मॉडल के अंदर पीछे वाइपर यहाँ पर मिसिंग मिलेगा, जो कि सिर्फ टॉप मॉडल के अंदर ही आता है। इस मॉडल में आपको वाइपर भी नहीं मिलेगा। आइए अब चलते हैं बाहर की तरफ। B6 और B6 ऑप्शनल में आपको लगभग 40,000 रुपये का डिफरेंस मिलता है। अब आप देख सकते हैं 40,000 में आपको कौन कौन सी चीज़ें जो है यहाँ पर मिसिंग मिलती है। आप बताइए कैसे लगी दोस्तों आपको ऑल न्यू महिंद्रा बोलेरो का ये B6 मॉडल, आप बताइए मुझे कमेंट्स में। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना, क्योंकि इसी तरह के वीडियो जो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना दोस्तों, थैंक यू।